guys, are you also planning to visit the Northeast India? But there are many states, right? Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, kaun sa jaye? So ye video aapke liye hai. Every state has its own culture, cuisine and beauty. But kaun sa state jana hai? Ye hai question. Yehi question hamara bhi tha. If you want more of beauty, space, greenery, mist, waterfalls, lakes, rivers, then Meghalaya is the best choice for you. And if you're wanting to make it to Meghalaya and you don't know how heavy your pocket should be, then this video is going to be all about the cost and budget to visit Meghalaya. So watch this video till the end so that you get the proper crux of it. Humne bahut minute details bhi cover kiye hain jo aapko koi aur nahi batayega. No one will tell you that. And it only comes from experience. Aap wahan rahoge tabhi aapko ye cheez pata chalega. To chalo chalte hain video ke andar. Hum Meghalaya 10 din ke liye gaye the. We traveled for 10 days and we started our journey from Chennai. The journey was with a layover. So Chennai se hum gaye Kolkata, Kolkata se hum gaye Shillong. Aap Guwahati bhi ja sakte ho jo ki bahut sare log jate hain. पर गुवाहाटी से वापस शिलोंग आना कुछ 100 किलोमीटर है जो कि आपके कॉस्ट में ऐड ही हो जाएगा. तो हम डायरेक्ट ही शिलोंग चले गए. और जो फ्लाइट का कॉस्ट है, अगर आप 2-3 महीने एडवांस में पेमेंट करके बुक करें फ्लाइट, तो आपको कुछ दो लोगों के लिए 17,000 से 18,000 के बीच में फ्लाइट आ जाएगा. Sometimes it's 7,000, sometimes it's 6 or 8, it ranges, you know, depending on the season and the weather. तो हमें एक round trip के लिए for 2 people totally around 35 to 40K का budget लेके चलिए flight का cost. पर ये तभी है जब आप South India से जा रहे हो, क्योंकि South India से मेघालय काफी दूर है. North India से अगर आप flight ले रहे हो तो वो आपको half the price में पड़ जाता है. So let me show you a road map first. तो हम स्टार्ट किए शिलोंग से. शिलोंग से हम गए चेरापुंजी, चेरापुंजी से हम गए मोलिनोंग, मोलिनोंग से दाउकी और दाउकी से शिलोंग. तो हमने ये पूरा सर्किट कवर किया है. वी कम्प्लीटेड दिस होल सर्किट ऑन अ रेंटेड बाइक, बट यू कैन ऑल्सो कम्प्लीट दिस बाय अ सेल्फ ड्राइव कार और अ रेंटेड कार विद अ ड्राइवर. इफ यू आर विजिटिंग दिस प्लेस इन विंटर, बहुत ठंड है, तो वार्म क्लोथ जरूर लेके जाइएगा. लेकिन अगर आप कोई भी सीजन में मेघालय जाओगे तो बारिश जरूर होगी, तो इसीलिए रेनकोट्स और अम्ब्रेला हमेशा कैरी करते रहिएगा. सम मोर एसेंशियल आइटम्स भी क्या क्या ले जाने चाहिए, ये सब भी हमने इस वीडियो में कवर किया है. एट द एंड ऑफ द वीडियो इन आर फ्लाइट इटसेल्फ, हम एक बच्चे के साथ खेल रहे थे जो हमारी सीट के पीछे थे. एंड व्हेन वी गॉट डाउन द फ्लाइट वी केम टू नो दैट बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो एक बिजनेस करते हैं जहां पे वो बाइक्स जो है वो रेंट पे देते हैं. एंड हमें बाइक मतलब स्कूटी से ही मेघालय को देखना था, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था. हमने उनका नंबर भी लिया. बट वी ऑल्सो कंसिडर्ड अदर लोकल रेंटल पीपल, मतलब जो यू नो रेंट पे बाइक देते हैं, उनसे भी हमने बात की और हम दुकानों में भी जाके पूछे और हमें इन सबसे ज्यादा अच्छा उनका जो प्राइस था वो लगा. सो आई विल ऑल्सो गिव यू हिज डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ही हैज लॉट ऑफ बाइक्स हियर और ये कार भी रेंट पे देते हैं. सेल्फ ड्राइव कार्स भी आप ले सकते हो या ड्राइवर के साथ भी ले सकते हो. तो बाइक का चार्जेस जो है, जो स्कूटी है, वो आपको 600 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा. डिपेंड्स ऑन विच बाइक यूर रेंटिंग, कौन सा मतलब स्कूटी ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, कितने दिन के लिए ले रहे हो, इस हिसाब से आप अपना बार्गेनिंग स्किल्स यूज कर सकते हैं. अगर आपको कार लेना है विद ड्राइवर या विदाउट ड्राइवर, तो 3,500 पर डे से भी चालू हो जाता है. तो आप अपने तरफ से भी रिसर्च करिएगा जरूर, पर हमें तो ये सबसे बेस्ट लगे क्योंकि बहुत ही जेन्युइन और फ्रेंडली आदमी है. तो आप इन्हें जरूर कंसिडर करिएगा. वी आर रिकमेंडिंग हिम, इट्स नॉट अ प्रमोशन और उनसे कोई कोलैबोरेशन नहीं है. तो हमने जो है स्कूटी रेंट पे लिया था 10 दिन के लिए, तो हमें 600 रुपए पड़े थे और 600 × 10 days इज सम 6,000 रुपीज. तो हमें स्कूटी का कॉस्ट जो है 6,000 रुपीज पड़ा था. फिर मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया है जहाँ पे आपको 5 days, 7 days और 10 days का कॉस्ट भी पता चलेगा, क्योंकि कई लोग 10 दिन के लिए नहीं जा पाते हैं, 7 दिन के लिए जाते हैं, 5 दिन के लिए जाते हैं. तो वो ब्रेकडाउन भी आपको मैंने दे दिया है. अब बाइक लिया है तो पेट्रोल तो भराना पड़ेगा, तभी बाइक चलेगी. जो कि मैंने आपको पहले रोड मैप में दिखाया था, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज हार्डली 50 to 60 किलोमीटर. लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वी आर गोइंग ऑन अ माउंटेन एरिया. माउंटेन एरिया पे नॉर्मल बाइक्स या स्कूटीज जो है जो सिटी में माइलेज वो नहीं देगी, उससे काफी कम देगी. तो ऑलरेडी आपको जो जहां से आप रेंट पे ले रहे हो वो तो आपको बताएंगे ही कि कितना माइलेज देगा, उससे आप थोड़ा कम ही समझ के पेट्रोल हमेशा फुल रख के ही चलिएगा. अगर आपके साथ ड्राइवर है तो आपको कोई चिंता नहीं है, बिकॉज ही विल बी द पर्सन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट. लेकिन अगर आप खुद चला के जा रहे हो तो हमेशा फुल टैंक करके जाइएगा. दो पेट्रोल बंक्स तो मिलेंगे ही कई जगह पे, बट रिस्क क्यों लेने का है, हमेशा सेफ साइड में ही जाओ और ट्रिप को एंजॉय करो. ऑन एन एवरेज जो है 100 से 200 रुपए का खर्चा होगा अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो. और अगर आप एक जगह पहुंच जाते हो जैसे चेरापुंजी, वहां के लोकल साइट सीइंग किए, तो वो भी आपको 100-200 रुपए ऐसे ही पड़ेगा. तो पर डे जो हम लोग का पेट्रोल का कॉस्ट आया वो था एवरेज 150 to 200 रुपीज पर डे. तो अगर हम 10 दिन का मिलाते हैं तो हमें 2,000 रुपीज पड़ा होगा. तो कहीं होटल में तो ठहरना ही पड़ेगा. तो होटल का कॉस्ट जो है आपको ऑन एन एवरेज 1,500 से 2,000 रुपीज पे आएगा. एंड इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू लिव इन अ लग्जरी होटल, तो आपको
वो तो प्राइस जाते रहेगा, 5,000-10,000 जैसे भी है, बट आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज फॉर अ फैमिली और अ कपल ऑफ टू इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,500 to 2,000 रुपीज। कहीं कहीं आपको 1,000 में भी टेंट मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 1,000 में रूम्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मिल जाएंगे, साफ सुथरे स्पेशियस और अच्छे लोकेलिटी में मिल जाएंगे। कहीं कहीं पे आपको 2,000 रुपए या 2,500 होंगे। सो 10 दिन का एवरेज मिला के मैं आपको बता रही हूँ, तो 1,500 एवरेज लेते हुए 10 दिन के लिए आपको 15,000 तक होटल में लग जाएगा। घूम रहे हैं तो भूखे तो नहीं घूमेंगे, तो खाना हमारा नेक्स्ट कॉस्ट होगा। पर अगर आप हमारे जैसे हो तो हम क्या करते हैं कि हम दिन में एक टाइम फ्रूट डाइट पे रहते हैं, क्योंकि हमेशा बाहर का खाना खाना थोड़ा पेट के लिए डमाडोल हो सकता है, इसलिए वी चूज टू यू नो ईट वन टाइम फ्रूट्स। और अगर हमने कुछ हैवी बहुत खा लिया हो कोई भी एक टाइम का मील, तो हम नेक्स्ट टाइम का मील स्किप कर देते हैं ताकि हमें घूमने में कोई परेशानी ना हो। ऑन एन एवरेज पर डे मील जो है पर पर्सन 150 रुपीज से 200 रुपीज तक हो जाएगा पानी वानी मिला के, बट 100 रुपए से 150 हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि कई बार हम जो स्टेपल फूड ऑफ माउंटेन्स है मोमोज और मैगी वही खा के रह जाते हैं। तो एवरेज लेंगे तो 100 से 200 रुपए तक आएगा एक आदमी का वन टाइम का मील, तो पर डे का मील हो जाएगा आपको 500 के करीब। ठीक है, एक आदमी के लिए 500 रुपए लगेंगे और आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आप फूड कॉस्ट 5,000 रुपए लेके चलो, और दो आदमी के लिए 10,000 हो जाता है। अब इसमें तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, जो आप अपने शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं या अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए बचा के रख सकते हैं। अब हर एक टूरिस्ट स्पॉट में भी एंट्री फीस तो लगती है, अपार्ट फ्रॉम सम वाटरफॉल्स और जहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना है, तो उसके अलावा आपको केव्स में जाओगे या कोई कोई छोटा छोटा ऐसा वाटरफॉल है जो गार्डेड है, तो ऐसे जगह पे आपको एंट्री फीस लग सकती है, पार्किंग टिकट्स लग सकते हैं। तो ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, बहुत ही माइनर कॉस्ट है, बट ऑन एन एवरेज पर पर्सन जो आपको ये एंट्री फीस और ये सब लग जाएगा, आपको कुछ 700 से 800 रुपए लग जाएंगे 10 दिन के लिए। इट डजंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लेसेस दैट वी आर विजिटिंग, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कवर कर रहे हैं, उस हिसाब से। कहीं आपको 20 रुपए टिकट है, कहीं आपको 50 रुपए है, कहीं आपको 100 है, उससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे। तो 500 से 600 रुपए जो है आपको एंट्री का फीस लग जाएगा, ये आपका अनदर कॉस्ट हो जाएगा। अब जो मेन कॉस्ट है वो भाई बंदे का प्यास, तो पानी तो हम पियेंगे ही, और पानी हम लाएंगे कहाँ से जब हम घूमने जा रहे हैं, तो 20-20 रुपए की बॉटल्स मिलती है, एक आदमी 4 बॉटल तो हर दिन पिएगा ही, तो उसमें उसको 80 से 100 रुपए लग जाएंगे। तो ये 100 रुपए जो है ये 10 दिन के लिए अगर आप करेंगे तो ये 1,000 रुपए हो जाते हैं। ये कॉस्ट हम कैसे सेव कर सकते हैं, इसमें भी हम सेव कर सकते हैं, छोटा मोटा चीज भी हम सेव करें तो हमारे किसी ना किसी काम आ ही जाता है। तो अगर आप बाइक पे हो तो आप 5 लीटर के बॉटल खरीद सकते हो, जो कि आपको 20-30 रुपीज में या 50 रुपीज में आ जाता है। अगर आप कार में जा रहे हो तो आप पूरा एक 20 लीटर का कैन लेके रख सकते हो, जिसमें से आप पानी कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर आप सपोज शिलोंग से जा रहे हो, शिलोंग ही वापस आके आपको फ्लाइट लेना है, तो आप एक ही बार कुछ 2 से 3 कैन ले सकते हो, और शिलोंग वापस आओगे तो उस कैन को वापस आप दे सकते हो, तो इससे आपको वो डिपॉजिट का पैसा बच जाएगा। तो इसमें जो है आपको कुछ 50 रुपीज पर कैन होता है, तो आपको अराउंड 200-300 रुपीज लग जाएगा। तो आप इस तरीके से कुछ 500-600 रुपए बचा सकते हो। तो फ्लाइट का कॉस्ट आपको हो गया 35,000, आपका फूड का कॉस्ट हो गया 8,000 से 10,000 रुपए, आपका बाइक रेंटल का कॉस्ट हो गया 6,000, पेट्रोल का कॉस्ट हो गया 2,000, और होटल का कॉस्ट हो गया 15,000। वो आपका बेसिक और फिक्स फेयर होगा जो आपको इसके अराउंड तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो आप शॉपिंग करते हो, जो आप और लीजर एक्टिविटीज करते हो, उसका कॉस्ट आप अलग से लगा सकते हो। तो आप 50,000 से 60,000 रुपए के अंदर पूरा मेघालय का ट्रिप करके वापस आ सकते हो। एंड दिस कॉस्ट इज फॉर अ कपल, एक बंदा है तो उसका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, अराउंड 35 ऐसे लगेगा, क्योंकि होटल तो वही रहेगा, होटल का कॉस्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, 1,000 रुपए कम हो सकता है। बाइक का तो दोनों का मिला के ही लगेगा, चाहे दो लोग बैठे या एक लोग चलाए उतना ही कॉस्ट आएगा। फ्लाइट का कॉस्ट आपको 10,000 रुपए कम हो सकता है, 10 से 12,000। तो आपको जो अभी 50-56 लग रहा है वो आपको 30-35 में कंप्लीट हो जाएगा। हमने एक डिटेल वीडियो भी डाला है जिसमें मेघालय की आइटिनरी जो है वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, हमने 10 दिन कैसे स्पेंड किया, उसी में मैंने 5 दिन कैसे मेघालय में स्पेंड कर सकते हो या 7 दिन का ट्रिप कैसे बना सकते हो वो भी मेंशन किया हुआ है। और उसी प्लेलिस्ट में आपको एक डिटेल वीडियो ऑन बेस्ट एरिया टू स्टे इन मेघालय या सबसे बेस्ट होटल्स कौन से हैं, तो ऐसे कौन से होटल्स हैं और कहाँ पे आपको रहना चाहिए, कौन सा एरिया बेस्ट है होटल्स चुनने के लिए, कौन सा एरिया पास में है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के, ये सब भी मैंने उसमें कवर किया हुआ है। तो वो भी कुछ 5 से 6 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा, आपको जरूर हेल्प करेगा। और एसेंशियल आइटम्स जो मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रही थी वो है रेनकोट, वो है अम्ब्रेला, चाहे आप जो भी सीजन में जाएं, मेडिसिंस और फर्स्ट एड किट भी जरूर लेके जाइएगा, मेडिसिंस में स्पेशली कोल्ड और फीवर के लिए, क्योंकि वहां पे काफी ठंड होता है। तो जो भी बेसिक मेडिसिंस है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर ले लें, जैसे हेडेक के लिए या डाइजेशन के लिए।
ओडोमॉस ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हो या आप दाउकी में कैंपिंग कर रहे हो तो रात को काम आएगा। और टॉर्च लाइट बहुत जरूरी है। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि हम केव में गए थे और वहां पे पावर शटडाउन हो गया था, जहां पे हम टॉर्च लेके आए थे, तो इस वजह से हम केव के अंदर गए और केव को एक्सप्लोर किए, नहीं तो हम ये चीज नहीं कर पाते और हमें वहां से वापस लौटना पड़ता। तो टॉर्च और ये इमरजेंसी लाइट्स, पावर बैकअप, बैटरी बैकअप्स, ये जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि पावर शटडाउन वहां पे काफी होता रहता है। बाइक पे अगर आप जा रहे हैं तो लगेज के लिए कवर ले लीजिएगा, ताकि आपका लगेज जो है भींगे नहीं। एक छोटा इमर्शन रॉड भी ले लीजिएगा, ये बहुत हैंडी आता है, बहुत काम का होता है, क्योंकि कई जगह पे बहुत ठंड होने की वजह से हमें गर्म पानी पीने की जरूरत पड़ सकती है। आपको ये वीडियो से काफी मदद मिली होगी और जिसे जरूरत है उसे भी शेयर करिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम आपको और मदद कर सकें। टेक केयर गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।